हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS YouTube चैनल। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मैनेजमेंट कोटा। हर बच्चा जो इस समय नीट की तैयारी कर रहा है या और किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लाइक इंजीनियरिंग की या MBA की, उन लोगों को एक बहुत ही रिलेवेंट टर्म सुनने को मिलता है। उनके मोबाइल पे एक SMS आता रहता है, कभी कॉल आता है अलग अलग एजेंटों से, कभी व्हाट्सएप आता है या सोशल मीडिया के द्वारा अलग अलग लोग उनको कम्युनिकेट करते हैं और बोलते हैं कि हम आपका एडमिशन करा देंगे, इस कॉलेज में करा देंगे, इस कॉलेज में करा देंगे थ्रू द मैनेजमेंट कोटा। तो क्या है ये मैनेजमेंट कोटा और क्या वाकई में हम मैनेजमेंट कोटा के थ्रू डॉक्टर बन सकते हैं, इंडिया में MBBS कर सकते हैं 2018 में, इसको मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ कि वॉट इज मैनेजमेंट कोटा। एक्चुअली फॉर MBBS अगर हम देखते हैं एक सिनेरियो कि पास एक डिकेट से फ्रॉम लास्ट 5 years जो इंडिया में जो बच्चे फॉर्म भरते हैं जिनको MBBS की रिक्वायरमेंट है और जो सीट है, दैट इज लेस देन 10%, बहुत ही कम सीटें हैं। और उसमें पहले जब नीट आने से पहले जब AIPMT चलता था तो बहुत से कॉलेज ऐसे होते थे, प्राइवेट कॉलेज स्पेशली, जो ब्राइब लेके, डोनेशन लेके, घूस लेके कुछ सीटें अपनी मैनेजमेंट की तरफ से डायरेक्टली बच्चों को दे देते थे। इसी चीज़ को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो बनाया नीट बनाया, नीट इसीलिए बनाया कि आपका मैनेजमेंट कोटा खत्म हो जाए। तो अब हमारे पास कोई भी मैनेजमेंट कोटा की सीट नहीं होती है, मैनेजमेंट कोटा इज नो मोर इन इंडिया। कोई भी कॉलेज आज की डेट में जो अथॉरिटी है कॉलेज की, MBBS कॉलेज जो पढ़ा रहा है, वेदर दैट इज गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, इवन द डीम्ड कॉलेज, उनका काम है ओनली टू गिव गुड स्टडी, गुड नॉलेज टू द स्टूडेंट। और उसको एडमिशन से संबंधित उसके पास कोई भी रूल्स नहीं है, उसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है। गवर्नमेंट की एक बॉडी है नीट, जिसको MCC कंडक्ट करती है, वो आपका नीट का एग्जाम कराएगी। आप सब बच्चों जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हो, जो 31st of January को आ रहा है, आप फॉर्म भरोगे, एग्जाम में जाओगे अपने सेंटर्स में, स्कोर आएगा, ये सारा काम आपका MCC करेगी। स्कोर आने के बाद आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग करेगी जो अलग बॉडी होती है DMER। DMER और MCC मिलके आपकी काउंसलिंग करती है, और काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज अलॉट होता है वो लेटर लेके आप कॉलेज में जाते हो और आप उनको सिर्फ फीस पे करते हो। एक प्राइवेट कॉलेज के पास, डीम कॉलेज के पास मैक्सिमम 150 सीट्स पढ़ाने की अथॉरिटी होती है, उससे ज़्यादा अभी तक नहीं है। तो 150 सीट्स का पूरा उनको हिसाब देना पड़ता है गवर्नमेंट को कि मैंने आपके ही बच्चों को लिया है, मैंने डायरेक्टली किसी को नहीं लिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी मैंने लोगों को देखा, काफ़ी पेरेंट्स को देखा कि उनको परेशानी हो रही है, कुछ लोगों ने उनको मिसगाइड किया, किसी ने चीट किया। बिकॉज मैं समझ सकता हूँ, किसी को डॉक्टर बनना है बहुत ही इमोशनल होता है, आदमी काफ़ी इमोशन सोचता है, पेरेंट्स के काफ़ी इमोशंस होते हैं, बच्चा इतनी मेहनत करता है, कोचिंग जाता है, रात रात भर जाग के मेहनत पढ़ाई करता है, पेरेंट्स कहाँ कहाँ से पैसा लेके आते हैं। तो आप ऐसी कॉल्स और ऐसे फेक लोगों के चक्कर में मत फंसो जो आपको बोलते हैं कि हम मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन करा सकते हैं। लास्ट ईयर का मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर जो जिनका स्कोर 200 नंबर तक था, इवन 190 तक था, उनको भी कॉलेज मिला है प्राइवेट और डीम में। बट ये एक अलग चीज़ होती है। अगर कोई कंसल्टेंट आपसे बोल रहा है कि मैं सर एक कंसल्टेंसी चार्ज लूंगा, जो भी उसका एक नॉमिनल चार्जेस बनता है, 2-3% गवर्नमेंट भी बोलती है आप ले सकते हो विद टैक्स, तो जो अगर वो आपसे अगर एक चार्ज ले रहा है 50,000-1 lakh rupees और आपको गाइड कर रहा है काउंसलिंग में, बिकॉज काउंसलिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है गाइडेंस की। आपका स्कोर आया है 200, आप सोच रहे हो मुझे तो सीट मिल जाएगी इजिली, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। बिकॉज जैसा आप सोच रहे हो ऐसे 6 लाख लोग सोच रहे हैं और सीटें सिर्फ 50,000 है। तो किस कॉलेज का क्या कट ऑफ जाएगा, ये एक एक्सपर्ट जानता है कि किस स्टेट का कौन सा कॉलेज की क्या वेटेज है, और वेटेज आती है कितना वो पुराना है कॉलेज, क्या उसका हॉस्पिटल का सिस्टम है, कितना बेडेड हॉस्पिटल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी फीस क्या है। फीस को देखते हुए, हॉस्पिटल की रेपुटेशन को देखते हुए उस कॉलेज का कट ऑफ जाता है। तो बहुत से बच्चे सपोज कर लो कोई कॉलेज आपको 450 पे मिल रहा है, 400 वाला भी उसको लॉक करता है, 500 वाला भी लॉक करता है, और 450 वाला भी लॉक करता है। तो ये चीज़ है जिसको बच्चे को समझना पड़ता है, यहाँ पे एक एक्सपर्ट गाइड कर सकता है आपको
तो अगर कोई आपको कॉल कर रहा है, अगर आपको कंसल्टेंट कर रहा है एक नॉर्मल, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए आप देखो कि ये बंदा रजिस्टर्ड है, कंपनी से बिलोंग करता है कि नहीं, आप वो बंदा आपसे भाग के जाने वाला है कि नहीं, आप लीगल पॉइंट से सब कुछ देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है। बट जो बच्चे हमसे पूछते रहते हैं सर मैनमिन कोटा से एडमिशन हो रहा है, मैनमिन कोटा से हो रहा है, अगर आपको कोई भी बोल रहा है मैनमिन कोटा से एडमिशन हो रहा है, देन दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। देयर इज नो मोर मैनमिन कोटा इंडिया में। एक रफली मैं आपको बता देता हूँ, अगर प्राइवेट कॉलेज से MBBS करना है और आपका स्कोर 500 से नीचे आ रहा है, तो आप ये मान के चलो कि 70 लाख से 80 लाख के बीच में अगर आपके पास एक्सपेंडिचर है तो आपको सीट मिल सकती है। जो कॉलेज का जो पैकेज जाता है 35 से 40, वो आपको 500 प्लस पे आराम से मिल जाएंगे। और गवर्नमेंट का आप लोग समझ ही रहे हो, 560 से ऊपर का कट ऑफ जाने की चांसेस है इस बार। एक सेफ जोन में आप रहोगे फॉर जनरल स्टूडेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज। स्मार्ट स्टडी कीजिए, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। आप 5 घंटे मत पढ़ो, आप 2 घंटा पढ़ो, बट 2 घंटा आपका कंसंट्रेशन ऑफ माइंड शुड बी ओनली 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 ऑन योर सब्जेक्ट। अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ, ओल्ड मैटर्स छोड़ो, आपका दिमाग को इंटरेस्टिंग चीजें पसंद है। और आपके नीट में पास होने के लिए आप इस हमारे ACS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज ये आपको एक दोस्त की तरह बीच बीच में मदद करता रहेगा। हम काफ़ी अच्छे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, उसमें हम रिसर्च कर रहे हैं कि जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, US का एजुकेशन सिस्टम क्या है। एक क्योंकि 12 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, सबका अलग अलग जो है एक पैटर्न होता है पढ़ाई करने का। अगर फॉर एग्जाम्पल XYZ 3 बच्चे हैं, तो तीनों का जो आपका रणनीति होगी एग्जाम की, तीनों की अलग अलग होगी। तो आप सबको बेस्ट से बेस्ट टिप देंगे। आप हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट।